I'm coming back. हेलो फ्रेंड्स, आई एम कमिंग बैक। जैसा कि हम पहले कुछ दिनों से वर्ड के बारे में सीख रहे हैं, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में फाइल टैब के बारे में बताया था। आज हम आगे नया टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है, हम इंसर्ट टैब को शुरू करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको इंसर्ट का मतलब बता दूँ। इंसर्ट का मतलब होता है कोई भी बनी बनाई चीज़ हमारे पास पड़ी है, चाहे वो क्रिएटिविटी पड़ी है, चाहे कोई शेप पड़ी है, टेबल पड़ा है, स्मार्ट आर्ट पड़ी है, यानी कि कोई ग्राफिक है, ग्राफिकली वर्क है, या कोई लिंक है, कोई हमारे पास पैराग्राफ्स पड़े हैं, तो उनके अंदर और ऑप्शन इंक्लूड करके उसको और मॉडिफाई करना। जैसा कि इसके अंदर हमारे पास हम टेबल को मॉडिफाई करना सीखेंगे, शेप्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे, पिक्चर्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे, कमेंट्स अप्लाई करना सीखेंगे, ऑनलाइन वीडियो अटैच करना सीखेंगे, उसके साथ साथ छोटी छोटी और ऑप्शनें रहेंगी। मैं शुरू करने जा रही हूँ इंसर्ट में। सबसे पहली ऑप्शन जो है इंसर्ट टैब की, कवर पेज। अब कवर पेज क्या चीज़ होती है, बात करें तो कवर पेज किसी असाइनमेंट का, किसी प्रोजेक्ट का हो गया, किसी भी वर्कबुक का हो गया, किसी डायरी का हो गया, किसी कॉपी का हो गया, उसका जो फ्रंट पेज है, वो चाहे आपने बना बनाया टेम्पलेट में से लेना या खुद से बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। आइए देखें कि ऑप्शन का यूज़ हम कैसे करेंगे। हमने इस ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद इसके अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हैं। टेम्पलेट्स में से हम कोई भी एक टेम्पलेट चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद उस पर क्लिक कर देंगे और देन वो हमारी शीट पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसको और मॉडिफाई करने के लिए, टेम्पलेट तो मैंने ऐड कर लिया, इसको और मॉडिफाई करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत अपनी तरफ से मैटर जो है इंक्लूड करूँगी। 2022 का जो है मेरा ये कवर पेज है। टाइटल कह दिया मैंने इसको, साइकोलॉजी है। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास रहेगा सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय एंड सबमिटेड ऑन, यानी कि ये तीनों ऑप्शनें हमें अप्लाई नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होती है। जैसे कि यहाँ पर नाम दे रखा है रवि कुश। हमने क्या किया कि किसके द्वारा ये सबमिट की जा रही है कंपनी, हम किसे सबमिट कर रहे हैं और हमारी डेट क्या है, हम कब इसको सबमिट कर रहे हैं। ये तो रही हमारी इंसर्ट में कवर पेज सबसे पहली ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन रहती है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। इन दोनों ऑप्शनों का यूज़ है वो सेम रहता है, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट के नीचे नेक्स्ट पेज लेना चाहते हो तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते रहते हैं। और इसका शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस एंटर। इससे क्या है कि आप वन बाय वन नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पर आप जाते रहोगे, देन आपका पेज ब्रेक जो है वो होता रहेगा। चाहे उसके लिए आप ब्लैंक पेज ऑप्शन अप्लाई कर लो, देन या आप उसके लिए पेज ब्रेक ऑप्शन अप्लाई कर लो। ये थी हमारी पेजेस की तीन ऑप्शन। आगे हमारे पास कौन सा पैनल है, टेबल पैनल है। टेबल पैनल का यूज़ करते हैं हम। टेबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, टेबल का यूज़ हम करते हैं, आपने अगर कोई टाइम टेबल बनाना है, स्टॉक समरी बनानी है, कोई डाटा तैयार करना है, डेट शीट तैयार करनी है, उसके लिए यूज़ करते हैं। अब जो टेबल है वो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट वे से बनता है। सबसे पहले तो जब मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे पास ही ऑलरेडी बहुत सारी ऑप्शंस ओपन होगी डायलॉग बॉक्स में। मैंने क्या करना है, इसमें से मैं जितनी भी रो या कॉलम या आप कह लो कि बॉक्सेस को सिलेक्ट करूँगी, सिर्फ उतना ही टेबल मेरी शीट पर इंसर्ट होगा। मैंने इसको कंट्रोल ए देन डिलीट प्रेस करने पर इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हम इसी ऑप्शन में जाना है हमने, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मीनिंग बताया कि कोई बनी बनाई चीज़ अप्लाई करना, उसको देन मॉडिफाई करना। मैंने 5x4 कर लिया कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम 5 चाहिए, मुझे नंबर ऑफ रो जो है वो 4 चाहिए। तो मैंने क्या किया, जब ये अप्लाई किया तो देन मेरे पास 5x4 का एक टेबल क्रिएट हो गया। मैंने अगेन वही सेम चीज़ कंट्रोल ए सेलेक्शन देन डिलीट कर दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या ऑप्शन आती है, हमने टेबल में ही जाना है, ड्रो टेबल। इसको आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, जितने आप एरिया में इसको ड्रॉ करना चाहते हो। इसके अंदर आप जितनी लाइनें लेकर रो या कॉलम में इस एक सेल को डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमने बहुत ही बारीकी से एक टेबल को क्रिएट कर दिया है, वो भी पेंसिल से। आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। हमने क्या करना है, सेम एज इट इज़ कंट्रोल ए डिलीट प्रेस करना है, ये भी टेबल हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन ऑप्शन जो है हिडन है, वो आपको मैं अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी ये ऑप्शन कैसे अप्लाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि वर्ड में बैठे बैठे आपने एक्सेल को अप्लाई करना है, एक्सेल शीट को आपने वर्ड में इंसर्ट कर देन उसके अंदर टेबल को मॉडिफाई करना है। इस ऑप्शन में जाएंगे,
जब हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया हमारे पास एक एक्सेल की शीट क्रिएट हो जाएगी, बट रन में हमारे पास वर्ड चल रहा है, ऑप्शनें भी एक्सेल की, टैब भी एक्सेल का और हमारे पास टेबल भी एक्सेल का आ रहा है। एक्सेल जो है हमारे वर्ड के बाद का जो है एप्लीकेशन है, बट इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, साइड में ब्लैंक एरिया पे क्लिक करने पर, देन टेबल के अंदर क्लिक करने पर इसको आप डिलीट कर सकते हो, तो आपके पास वही सेम वर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आती है कि अगर आपको टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ऑप्शंस या मॉडिफिकेशन वाली ऑप्शन ट्राई करके अप्लाई करके देखनी है, तो आप क्विक टेबल में जाकर, क्विक का मतलब होता है बनी बनाई कोई चीज़ जल्दी जल्दबाजी में आपने ले ली हो, तो आपने बना बनाए यहाँ से कोई भी टेबल अपनी शीट पर इंसर्ट कर लेना है। इसके लिए हम क्विक टेबल का यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने किया, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैं बार बार टेबल बना रही थी तो मेरे पास डिज़ाइन और लेआउट के दो टैब आ रहे थे, ठीक है, वो बार बार हमारे पास इंसर्ट के इंस्टेड अलग से टैब ओपन हो रहे थे। मैं उनका मतलब बताती हूँ क्या होता है। जब हम अलग से यहाँ पर कोई टेबल, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट यूज़ करते हैं तो हमारे पास इनके अलग से हमारे पास ऑप्शन या पैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसा कि मैं टेबल के अंदर हूँ, मेरा कर्सर टेबल के अंदर है, तो मेरे पास एक टेबल की डिज़ाइन टैब रहेगी और एक लेआउट टैब रहेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिज़ाइन, कि मैं टेबल को मॉडिफाई करना चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन ऑप्शन है, टेबल स्टाइल आप डिज़ाइन भी कह सकते हो, यहाँ से आप कोई भी बना बनाया स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हेडर रो, हेडर मतलब हेड रो जो है उसमें आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो देन उसको अप्लाई करोगे, देन अगर नहीं करना चाहते तो उसको अनटिक कर सकते हो। टोटल रो में आप स्टाइल देना चाहते हो, बैंडेड रो में स्टाइल देना चाहते हो, आप देख सकते हैं कि मेरी डॉक्यूमेंट पे वो स्टाइल हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, हाइड हो रहा है, शो हो रहा है, यानी कि मैं ऑप्शन अप्लाई कर रही हूँ तो देन वो शो होता है, और अगर जब मैं अनटिक करती हूँ तो वो हिडन हो जाता है। तो फर्स्ट कॉलम ये स्टाइल रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, लास्ट कॉलम में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, बैंडेड कॉलम में रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, आप यहाँ से कलर करेक्शन भी चेंज कर सकते हो, शेड। कई बार हमारे पास बने बनाए स्टाइल्स में ऐसा स्टाइल नहीं होता जो हम चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं खुद से भी मॉडिफाई कर सकती हूँ। मैंने सेलेक्शन अप्लाई कर ली, सेलेक्शन करने के बाद मैं शेडिंग ऑप्शन में जाऊंगी और मैं जो कलर चेंज करना चाहती हूँ मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे डार्क शेड देनी है, तो मैं यहाँ पे डार्क शेड भी अप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह से क्या है, मेरा टेबल को मैं अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास आगे रहता है शेड, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, बॉर्डर स्टाइल। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ लाइनें बहुत बारीक है, मुझे तो टेबल का पता ही नहीं चल रहा कि टेबल जो लाइनें हैं बहुत बॉक्स छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। बॉर्डर का सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉर्डर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ से पहले बॉर्डर पेंटर ऑप्शन लेनी है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से लाइन स्टाइल लेना है। लाइन स्टाइल आप कौन सा लेना चाहते हो, लाइन अगर ली है तो उसका वेट क्या रखना चाहते हो, और देन हमारे पास क्या है कलर, कि आप कलर क्या रखना चाहते हो। बाय वन आप जिस लाइन के ऊपर बॉर्डर देना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो, बट ये तो मेरे को वन बाय वन अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। हमने यहाँ से ऑप्शन हटानी है बॉर्डर पेंटर को, हमारा लाइन स्टाइल वही रहेगा, लाइन वेट वही रहेगा, कलर वही रहेगा। मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है एक बारी में, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर ऑप्शन अप्लाई कर देनी है, जिससे क्या है मेरे पास ये बॉर्डर एक ही बारी में सारे टेबल पर अप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी टेबल डिज़ाइन टैब, जो कि मैंने आपको बताया कि आपने स्टाइल रो में रखना है, कॉलम में रखना है, बैंडेड रो में रखना है, बैंडेड कॉलम में रखना है, आप टेबल का स्टाइल क्या रखना चाहते हो, आप शेडिंग क्या अप्लाई करना चाहते हो, आप बॉर्डर किस टाइप से देना चाहते हो, बॉर्डर को पेंट वन बाय वन करना चाहते हो, ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो। तो इससे क्या है कि हम डिज़ाइन टैब कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेआउट। लेआउट में हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन रहती है, मैं सबसे पहले क्या करूँगी टेबल के ऊपर, सबसे पहले मैं क्या करूँगी टेबल एक बिल्कुल सिंपल सा उस वे में ले लूँगी कि ताकि मैं अगले टैब की ऑप्शनें आपको इजीली करवा पाऊँ। मैंने इस टेबल को क्लियर कर देना है, इंसर्ट में जाना है, मैंने एक बना बनाया टेबल इंसर्ट कर लेना है, फिर मैंने डिज़ाइन में जाकर एक डिज़ाइन अप्लाई कर लेना है। लेआउट सिलेक्शन वो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट में और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब बात करें सेलेक्ट सेल, सेल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बॉक्स, एक बॉक्स की सिलेक्शन करनी हो। अगर मैं कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो कॉलम की सिलेक्शन होगी, अगर मैं रो पे क्लिक करती हूँ तो रो की सिलेक्शन होगी, और टेबल पे क्लिक करूँगी तो टेबल की सिलेक्शन होगी। और अगर आप इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल देन आप नेविगेशन कीज़ जो होती हैं या एरो कीज़ होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको
जहां पर आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड की लेना चाहते हो तो आप शिफ्ट का यूज करके आप इसका यूज कर सकते हो। नीचे से आपने सेलेक्शन देने, नीचे का ले सकते हो, राइट साइड लेने राइट साइड ले सकते हो, लेफ्ट लेने है लेफ्ट साइड ले सकते हो। प्रॉपर्टी ऑप्शन इंटरनल सेटिंग के लिए होती है। व्यू ग्रिड लाइन का यूज हम कब करते हैं? मैंने टेबल के ऊपर एक सिंपल सा स्टाइल लगा रखा है, ग्रिड लाइन शो करनी है, हिडन करनी है, उसके लिए यूज करते हैं। ड्रॉ टेबल मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताकर हटी हूँ। इरेजर अगर आप कोई रो या कॉलम की लाइन नहीं रखना चाहते, सेलेक्शन करते जाओ वो क्लियर होती जाएगी। तो इससे क्या है, हम इजीली अपने रो कॉलम को इरेज कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप सेलेक्शन देते जाओगे वो इरेज होती रहेंगी। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिज़ाइन के बारे में और इंसर्ट की स्टार्टिंग की ऑप्शनें और लेआउट की स्टार्टिंग की हमने दो ऑप्शनें की। मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको इसके आगे की ऑप्शनें जो हैं उनके कॉन्सेप्ट, उनका यूज़ और उनका प्रैक्टिकल वर्क बताऊंगी, जिससे कि क्या है कि आप इजीली इसके अंदर डेट शीट, टाइम टेबल इजीली प्रिपेयर कर सकते हो एक्सेल के इंस्टेड। आप वर्ड में डाटा भी मेंटेन कर, आप इसमें डाटा भी मेंटेन कर सकते हो। लाइक अगर आपने स्टॉक समरी बनानी है, आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाना है, आपने कोई रिकॉर्ड तैयार करना है, फीस शीट बनानी है, आपने सैलरी शीट बनानी है, तो उसका भी आप इसका यूज़ कर सकते हो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।